हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट्स वर ट्रेडिंग मिक्स, जहां पे हमने देखा डाओ वाज दैट क्लोज पॉजिटिव, बट S&P 500 एंड एसडैक दे क्लोज स्लाइटली इन नेगेटिव। जहां पे हमने देखा बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एशियन मार्केट्स के बारे में बात करूँ तो मोस्ट ऑफ़ दी एशियन मार्केट्स आर एक्चुअली क्लोज, सो डोंट गो बाय दी नंबर्स विच आर शोइंग। वो शायद प्रीवियस डे का डेटा होगा। सो दी ओनली मार्केट विच इज़ फंक्शनिंग इज़ हैंगसेंग मार्केट विच इज़ हांगकॉन्ग, और वहाँ पे भी हाफ डे है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। SGX निफ्टी के मैं बारे में बात करूँ तो वहाँ पे हल्की सी गिरावट दिखाई दे रही है, एंड ब्रेंट क्रूड इट इज़ ट्रेडिंग हायर मोर देन $61 पर बैरल। गोल्ड इज़ ट्रेडिंग अबाउ $1,841 पर आउंस। और अगर मैं फ्लोस की मैं बारे में बात करूँ तो FII शोड अ पॉजिटिव ऑफ 1786 करोर, और जहाँ पे हमने DII देखा है कि ऑलमोस्ट 2000 करोर की वहाँ पे बिकवाली हुई है। कल RBI ने करीबन 2000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स अलग अलग मेच्योरिटी के ख़रीदे हैं, जिसके वजह से हमने बॉन्ड यील्ड भी देखा 10-year G-Sec का दैट क्लोज्ड एट 603 वर्सेस, अगर मैं प्रीवियस डे के बारे में बात करूँ सो इट वॉज ट्रेडिंग एट 611। सो वहाँ पे एक थोड़ी बहुत बॉन्ड रैली कल हमने देखी। निफ्टी के मैं बारे में बात करूं तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 15,000 एट 15,000 लेवल्स, जो कि कल फिर से रीटेस्ट हुआ, थोड़ा हल्का सा उसके नीचे भी गया था, बट इट डिन ब्रोक दैट एंड सस्टेन्ड, एंड देन फिर वी सॉ वेरी शार्प शॉर्ट कवरिंग, जहां पे फिर वापस निफ्टी 15,100 के आसपास बंद हुआ। तो सपोर्ट रहेगा 15,000 लेवल्स, एंड द रेजिस्टेंस विल बी एट अराउंड 15,250 लेवल्स। एक अनलिस्टेड स्पेस की बारे में बात करना चाहूँगा विच इज़ नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। दे हैव फाइल्ड द IPO। रीज़न टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ बिकॉज दिस इज़ बैक बाय राकेश झुनझुनवाला, एंड उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग मार्केट से उठाई है, एंड IPO भी फाइल किया हो उसके साथ साथ। सो अनलिस्टेड स्पेस में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं। इफ़ यू आर कीन टू नो अबाउट द अनलिस्टेड स्पेस, डू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। स्टॉक्स के बारे में बात करूँ, आज हमने जो कल और परसों 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं, रिलायंस इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ, और कल लास्ट आधे एक पौने घंटे में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। उसके साथ साथ औरों भी हमने ख़रीदा था विच इज़ 950 के आसपास। उसके कल रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स वर ओके, बट बिकॉज ऑफ वन एक्सेप्शनल गेन भी था, बट मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड, सो वील सी हाउ दी स्टॉक रिएक्ट्स। इट्स अ गुड स्टॉक, यू कैन होल्ड इट ऑन। उसके अलावा हीरो मोटो कॉर्प, जहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। SBI लाइफ, वी आर पॉजिटिव। गेल के कल रिजल्ट्स आए और कल हमने उसमें थोड़ी बहुत ख़रीदारी की है, सो दिस इज़ वन स्टॉक। देन ऑन द IT साइड HCL टेक एंड इन्फोसिस, दीज आर द टू बेट्स विच वी कंटिन्यू टू रेकमेंड। इसके अलावा हम टाटा कैम के बारे में बात करूँ, टाटा कैम शोड अ सम काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, इट वॉज डाउन बाय ऑलमोस्ट 2%, बट इफ समबडी इज़ होल्डिंग दिस पोजिशन तो टाटा कैम 600 का इनिशियल टारगेट रहेगा, एंड वंस इट क्रॉसेस दैट देन वी कैन लुक एट लेवल्स ऑफ 650 ऑल्सो। हैप्पीएस्ट माइंड कल रिजल्ट आया उसके, काफ़ी अच्छे रहे, सो इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इन दिस 340 टू 380 390 लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ईयर ऑन ईयर सिक्वेंशली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट एज वेल एज मार्जिन्स हैव इम्प्रूव। वी हैव सम काइंड ऑफ अ पोजिशन इन हैप्पीएस्ट माइंड एज वेल एज NBCC, कल उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल्ड बाई 95% की ग्रोथ वहाँ पे दिखाई दी हमने NBCC में, सो वहाँ पे हमारी एक अच्छी पोजीशन है।
और एक इम्पॉर्टेंट आज कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, विच इज़ ITC. दे विल बी डिक्लेयरिंग देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड दे विल बी ऑल्सो डिक्लेयरिंग देयर इंटरिम डिविडेंड. वो देखते हैं कि कैसा रहेगा. वी हैव अ पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम 220 टू 18 लेवल्स, और कल थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन वहाँ पे दिखाई दी. ऑलमोस्ट 1.5 रुपया नीचे था, 0.5% डाउन, बट वी आर होल्डिंग फॉर अ बिगर टारगेट्स. सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स विच आई थॉट टू डिस्कस विथ यू. इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. सो थैंक यू सो मच.